अस्पताल, शमशान और मेडिकल स्टोर्स के हालात काफी चिंताजनक हैं। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म क्या हुई, यहाँ अस्पतालों में कोरोना मरीजों से बेड भरने लगे हैं। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं नहीं है। बीजिंग में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। अमेरिकी साइंटिस्ट ने कोरोना पर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि 90 दिनों में चीन की 60% आबादी और दुनिया के 10% लोग कोरोना से संक्रमित होंगे, साथ ही 10 लाख मौतों की आशंका भी जताई है। इसके लिए उन्होंने चीनी सरकार को ही दोषी ठहराया। दैनिक भास्कर ने इस मामले पर इंटरनेशनल हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय से बात की। उन्होंने केसेस के तेजी से पीछे बढ़ने की सबसे बड़ी वजह प्रतिबंधों का खत्म होना बताया। चीन आइसोलेशन के भरोसे ही रहा, उसने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कोरोना के हिसाब से डेवलप नहीं किया। चीन में अब तक 38% वैक्सीनेशन ही हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट ने साफ कहा है कि भारत को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि भारत में वैक्सीनेशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं।